इधर पन्ना जिले में शासकीय विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं। अधिकांश विद्यालयों के भवन खस्ता हाल है। मेंटेनेंस का बजट कहां जाता है कोई बताने को तैयार नहीं है। पन्ना में शासकीय हिरनबाग माध्यमिक विद्यालय भी जर्जर हो चुके हैं। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। छत से सीमेंट झड़ती रहती है। स्कूल में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए पुराने जमाने की तरह टाट पट्टी की व्यवस्था है, जबकि अन्य विद्यालयों में बेंच की व्यवस्था हो चुकी है। बरसात के समय स्कूल परिसर में कीचड़ और जलभराव की समस्या रहती है। पानी की टंकी की सफाई कई सालों से नहीं हुई। डस्टबिन का कचरा भी महीनों से नहीं उठा। इन सब अव्यवस्थाओं के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मामले में नवागत स्कूल प्रभारी प्राचार्य हेमलता रैकवार का कहना है कि उन्होंने जर्जर स्कूल भवन, गंदगी, अव्यवस्थाओं से अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ क्या है, सबसे जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करो तो नगर पालिका के द्वारा वो कूड़ेदान रखवाए गए हैं तीन चार, और बगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो आती ही सार मतलब इतनी स्मेल वगैरह आती है यहाँ। और फिर बरसात में इतना ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो गया है, तो मैं कई बार हम लोग गए नगर पालिका वाले कहते हैं अपने बजट से करो, तो जब हम लोगों को मेरे पास बजट ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से उसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो छतें हैं, इस स्कूल की छतें वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, और बैठने के लिए यहाँ बच्चों के पास केवल चटाई भर है, छोटी छोटी टाट पट्टियाँ हैं तो उस पर बैठते हैं। और बाकी मतलब स्कूलों में तो सबके यहाँ बेंच आ चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं।